नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIIC में और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत अच्छी खबर है और लगातार वैकेंसीज की घोषणाएं की जा रही हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाखों की संख्या में भर्ती की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। अब ये घोषणा कितने हद तक पूरी होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी हाल ही में पटवारी की 5,204 पदों पर भर्ती की बात कही गई है, जिसमें पहले चरण में 3,000 की भर्ती होगी। लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है और ITI की शिक्षकों का जो मानदेय है उनमें भी वृद्धि की बात कही गई है। तो दोस्तों क्या है वह पूरी जानकारी, किस प्रकार से भर्ती की जाएगी राजस्व विभाग द्वारा, तो आइए जानते हैं, समझते हैं इस पूरी न्यूज़ को। तो दोस्तों 5,204 पटवारियों की भर्ती, 900 करोड़ की परियोजनाएं और 7 बड़े फैसले जो कि कैबिनेट ने लिए हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर क्या दिया गया है इसके संबंध में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरी आप ध्यान से सुने। यहाँ पर है कि मंगलवार 12 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एम शिवराज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 7 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें 3 साल में 5,204 पदों पर पटवारियों की भर्ती, ITI के अतिथि प्रवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और 900 करोड़ रुपए से अधिक की 3 सिंचाई परियोजनाएं, यानी कि करोड़ों का है दोस्तों। अब ये तो हम देख लेंगे, सिंचाई वगैरह तो ये तो ठीक है, कृषि विभाग से संबंधित है, पर जो मूल उद्देश्य है वो है रोजगार से। तो यहाँ पर 3 साल में चरणबद्ध तरीके से भर्ती की बात की गई है। तो मंत्रिपरिषद ने पटवारी संवर्ग में 5,204 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति दी, साथ ही प्रति 50,000 की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण और प्रत्येक सेक्टर पर एक नगर सर्वेक्षक का पद स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया है। किसी एक नगर निकाय में नगर सर्वेक्षण के कम से कम 2 पदों के निर्माण की स्वीकृति भी दी जाएगी। आगे है कि मंत्रिपरिषद ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के पूर्व से स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरुद्ध 11 माह के लिए मेहमान प्रवक्ता, यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट लेक्चरर हैं, के मानदेय वृद्धि की स्वीकृति दी है। मेहमान प्रवक्ता के रूप में 125 रुपए प्रति घंटा और 1 माह में अधिकतम 14,000 रुपए मानदेय का यहाँ पर निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों ये ITI की बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं डिटेल में कि किस प्रकार से दूसरे न्यूज में भी क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आपके सामने है भोपाल समाचार का, इसमें भी एक थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि 5,204 तो पदों पर मंजूरी दे दी है, लेकिन ये 3 साल में भर्ती की बात इसमें कर रहे हैं। वहीं पर प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके संबंध में जानकारी दी। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पहले चरण में 3,000 पटवारियों की भर्ती की जाएगी और मध्य प्रदेश में कुल स्वीकृत पदों की संख्या में यहां पर बात की गई है तो पटवारियों के कुल 19,020 पद स्वीकृत हैं। काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, इसलिए 5,204 नए पद स्वीकृत किए गए हैं और इस प्रकार से कुल हो जाएंगे 24,224 पद। तो दोस्तों यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या में एक्स्ट्रा जानकारी निकल करके हमारे सामने आई है। इसके अलावा जो ITI वाला है वह तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, 14,000 रुपए कम से कम उनका मानदेय महीने का होना चाहिए और 11 महीने के लिए गेस्ट फैकल्टी को 125 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा और इसमें सरकार ने 4,000 रुपए बढ़ा दिए हैं जो कि पहले 10,000। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि 5,204 पदों पर पटवारियों की नियुक्ति की जाएगी चरणबद्ध तरीके से। पहले चरण में 3,000 और उसके बाद में अगले अगले चरणों में जो भी शेष बचेंगे उन सभी पर नियुक्ति की जाएगी। हालांकि स्वीकृत पदों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वर्तमान स्थिति में इतने ही पदों पर नियुक्ति की जाएगी पटवारियों की। तो दोस्तों इस प्रकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि राजस्व विभाग में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और जो भी अभ्यर्थी हैं पूरे मनोयोग से तैयारी में लग जाएं और कब इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो दोस्तों जो भी होगा आप लोगों के सामने आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।